Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Assalamualaikum my two family, hope you're well and fine. Welcome to my channel. बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आज फिर एक व्लॉग लेके आई और एक्चुअली बिज़ी रूटीन चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट आई थिंक सो व्लॉग में बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए, वो चेक और रिज़ल्ट का कंपाइल करना, ये वो, बस इसी में ही बिज़ी रूटीन चल रही थी तो रेस्ट का भी टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर ऐसा ही था कि बस काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल पड़ी, सारे काम एकदम से स्टार्ट हो गए, तो फिर मैं इसलिए कोई ब्लॉग कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकी। तो आज मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम मिला और मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो चुका है तो आज ज़रा वीडियो थोड़ी सी बनाते हैं और इसको अपलोड करते हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी आफ्टर ईद, जो हमारा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो वो हल्के से मैंने क्लिप्स बनाए थे। वैसे वो भी हमारा काफ़ी बिजी डे रहा था, फोल्डर्स में पेपर्स को अटैच करना, ये वो सब कुछ काम, और रिज़ल्ट का वो आपको पेन पिक्चर्स उन पे उतारना, और ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी, और मतलब ये है बिज़ी टाइम चल गया था। और फिर इसीलिए मैं जो है वो तो रिकॉर्डिंग तो नहीं मैं कर सकती, ना ही मैंने की है। तो ये हम लोग लंच जो है करते रहे, तो वो मैंने कहा वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ। और फिर ईद के बाद हम लोग गए थे तो वहाँ पर कैंटीन का तो हम लोगों ने कुछ खाना नहीं था, तो बाहर से ही ऑर्डर करना था। तो ये वैसे है कि ईद पे तो हम लोग राइस और पुलाव खा के ना वैसे अक चुके थे, बट फिर भी ये है कि मतलब कुछ होता है कि स्कूल में भी अब वैसे फ़ास्ट फूड खाने का मूड नहीं हो रहा था। और फिर हम लोगों ने food.com से पुलाव मंगवाया, वो हम लोगों ने सब ने खाया और बस। और food.com वालों ने भी पुलाव के रेट्स अप कर दिए हैं, 270 का था अब 290 का कर दिया इन्हें। और जी फिर सारा दिन हम लोग काम ही करते रहे और एंड पे ये है, ये पुलाव वगैरह मंगवाया और ये लंच वगैरह करके हम लोग फ्री हुए, फिर घर ही आ गए। और हाँ, स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लिप देखा होगा कच्चे आम का, जो अंबियाँ होती हैं, और आजकल तो सीज़न चल रहा है तो ये तो मोस्ट फेवरेट होती हैं हर बंदे की। तो हमारे कोलीग थी उन वो लेके आई हुई थी, तो फिर हम सब लोगों ने कच्चे आम जो हैं वो इंजॉय किए। और फिर घर आते हुए जो है आज मतलब ईद की होते हैं, ईद के डेज़ जो ईद के बाद भी कुछ ना कुछ आपके मेहमान का आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर हम लोगों ने आज ज़रा ट्राइफल और साथ में कढ़ाई बनाई थी। तो वैसे तो हमारा प्लान था कहीं बाहर आउटिंग का, तो लेट्स सी के आगे होता है क्या, कि हम लोग आउटिंग के लिए जाते भी हैं या नहीं, बट फिलहाल तो हम लोग कढ़ाई की तरफ देखते हैं। तो घर आकर जाहिर सी बात है आपको घर का काम और फिर अच्छा मोस्टली यही रूटीन बन रही थी ना लास्ट डेज़ में भी, कि स्कूल घर का काम और ये, फिर थकावट इतनी ज़्यादा हर चीज़ की, फिर बंदे को यही होता है कि आप कैसे वीडियो रिकॉर्ड करें कैसे एडिट करें। तो लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बंदे को रखनी पड़ती है। तो कढ़ाई के लिए नॉर्मली सिंपल जो कढ़ाई हम लोग नॉर्मल घर में बनाते हैं, अच्छा प्याज को इतना टाइम लगा, मैं तो बस यही कह रही थी कितनी जल्दी जल्दी काम हो यहाँ पर। अच्छा मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो आपकी दूसरी एक तो गैस वाला जो होता है चूल्हा, उसकी निस्बत जो आप लकड़ी पर बनाते हैं ना वो जल्दी आपकी हांडी बन जाती है। तो मैंने कहा अभी बाहर एक्चुअली तूफ़ान वाला माहौल हुआ हुआ था, तो बाहर क्या बनाऊंगी, अंदर ही मैं गैस वाले पे बना लेती हूँ। तो गैस वाले पे मैंने बनाई, तो ये चिकन ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ा कि बस मैं इस पे ही जो है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा ये टाइम लगा रहा है, इतनी देर में अगर मैं बाहर बना रही होती ना तो वो इतनी जल्दी बन जानी थी जिसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, बट यहाँ पर ये इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, कढ़ाई बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये है मैंने बनाई, फिर साथ साथ हमारा प्लान भी बनता रहा
कि जाना है कहीं आउटिंग पे या नहीं जाना। तो साथ ही मैंने ट्राइफल के लिए भी जो है कस्टर्ड जो था वो तो मैंने बना लिया था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में देखी थी जेली बट नहीं थी, तो ये ग्रीन फ्लेवर आई थिंक सो बनाना फ्लेवर था ये, तो बनाना फ्लेवर बस था तो यहीं मैंने बना दिया। मैंने कहा चलें यहीं ठीक है यहीं चल जाएगा। तो फिर मैंने पानी बॉयल किया, तो बॉयल करने के बाद मैंने पानी के अंदर बस ये जेली डाली और इसको मिक्स कर दिया। अच्छा अगर आप पानी ज़्यादा डाल दें और जेली थोड़ी डाल लें तो वो निगर पानी बन जाता है, मतलब बिल्कुल पानी बन जाता है। और निगर वर्ड तो हमारा बटवारी का है तो ज़रा अच्छा लगता है ना थोड़ा सा मिक्स करके आप बोलें। तो अच्छा कढ़ाई में बना रही थी बट मुझे मसाला जो है घर में कढ़ाई मसाला नहीं मिला, तो ये कोरमा था कि कौन सा था, ये मुर्गी मसाला था वट एवर सो कोई मसाला था बस। तो फिर मैंने यही मसाला इसमें डाल दिया, दही था तो मैंने दही, अच्छा वो एक तो मुर्गी ने इतना ज़्यादा पानी मतलब छोड़ी थी मुर्गी और वो भी नहीं सूख रहा था, ऊपर से फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर डाला ये दही मिक्स किया उसके अंदर वो और ज़्यादा इसने पानी बना दिया। मैं बस मुझे कोफ्त हो रही थी कब बनेगी कढ़ाई, अभी तक बनी क्यों नहीं है। और ऊपर से मैंने ट्राइफल के लिए जो है फ्रूट केक मंगवाने थे तो फ्रूट केक मिले नहीं, तो वो बेक टाइम या पता नहीं कौन से आजकल केक चल रहे तो वो मिले, तो मैंने कहा चलें जुगाड़ लगाते हैं इसी से ही काम चलाते हैं। और फ्रूट भी घर में जस्ट एप्पल ही था तो मैंने एप्पल से ही काम चलाया, एप्पल जेली और केक था वहीं उसकी लेयर्स वगैरह लगा के ना काम को हम लोगों ने चला लिया, काम को तमाम कर दिया। और वैसे मैं जब इसके लिए ट्राइफल बनाती हूँ तो मैं उसके लिए कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करती। और देखें अब आप कह रहे होंगे ये फ्रूट केक कैसा केक है, ये तो बहुत लंबा लंबा है, तो ये फ्रूट केक नहीं, ये नॉर्मल जो आप पैकेट्स में बेक टाइम या इस तरह का कोई नाम है इस केक का, ये वो वाला केक है। तो मैंने इसी से ही काम मतलब जुगाड़ लगाया है जी। और जी जुगाड़ वैसे अच्छा था, ट्राइफल मज़े का था, बहुत यमी था और मुझे तो मिला नहीं खाने के लिए, बस एक स्पून मिली थी जो कि मैंने टेस्ट किया कि वैसे था कैसा। और वैसे तो आपको घर में जब कोई खा रहा हो तो कोई ना कोई बीच में से कभी ऐसा होता है, हमेशा ही नहीं होता कि बीच में से कोई कह दे कि जी अच्छा बना हुआ था, नाइस था सब कुछ। और मोस्टली हमारे यहाँ तो ये होता है कोई भी आपकी तारीफ़ नहीं करता, बस यही होता है कि आप बना के रखते हैं और सब ने खाना है। मतलब अगर बीच में से कोई नुक्स निकल आए ना कि फ़लाँ चीज़ में तेज़ है या फ़लाँ चीज़ में कम है ये वो, तो वो तो लाजमी पॉइंट आउट करना है ना। लेकिन अगर कोई आपकी अच्छी चीज़ बन जाए ना तो कभी किसी ने नहीं कहना वाओ बहुत नाइस बनी हुई है, बस ये चीज़ होती है कि हाँ इसमें तो नमक कम है, इसमें नमक तेज़ हो गया है, इसमें मिर्ची तेज़ हो गई, ये तो घरेलू बातें। और बस ये तो चलता फिरता रहता है। और ट्राइफल के ऊपर गार्निशिंग के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जेली मैंने बनाई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस जेली को मैं किधर एडजस्ट करूँ ना, वैसे जेली इसके अंदर भी डालनी चाहिए थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रही, मतलब बिल्कुल मैं भूल ही गई, स्लिप ही हो गई माइंड से, तो मैंने सारी जेली उठा के इसके ऊपर लगा दी। और साथ में कोकोनट था और कुछ भी मनक्का था बट मैंने वो नहीं लगाया बिकॉज़ मुझे वो पसंद खुद को ही नहीं है तो मैं डालती ही नहीं हूँ। वैसे बाकी जिसको पसंद हो तो मैं उसको कहती हूँ आप अपने प्लेट के ऊपर गार्निश कर लीजिएगा। और ये देखें जी पानी की नदियाँ बह गई है कढ़ाई के अंदर ही, तो काफ़ी ज़्यादा ही मसाले। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाल के ना इसके ऊपर से दम दे दिया, मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी टमाटर जो है ना इसके अंदर गल जाएँ। तो वैसे जी कढ़ाई मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आई थिंक सो वीडियो मेरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो ज़रा इसको थोड़ी सी तेज़ करते हैं और थोड़ा सा आगे जाके मिलते हैं। ओके हाँ जी, तो कढ़ाई का पानी जो है सूख चुका था और तेल ऊपर आ चुका था और थोड़ी सी ग्रेवी कहा गया था आपने रखनी है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी। और फिर हम लोगों ने कहा कि आप कहीं जाने का प्लान साथ साथ बन नहीं रहा था, तो सब कज़न्स जो थे कुछ गाड़ी में एडजस्ट हो गए, कुछ बाइक पे चले गए। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था पार्क का और हबीब चौक पार्क, तो क्या उस पार्क का नाम था, असलम समथिंग,
कि जो भी था नाम है मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर दूँगी। तो हम लोग वहाँ का प्लान बना, तो वहाँ पर हम लोग गए और ये जो है फिर वहाँ पर राइड्स, छोटे कज़न्स भी थे ना साथ में, तो छोटे कज़न्स के लिए उन्होंने राइड, वैसे हम लोग तो जस्ट बोर्ड पे बैठे थे बिकॉज मैं वहाँ पर राइड लेने का मुझे कुछ मूड नहीं हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर बड़ों की कोई इतनी ज़्यादा राइड्स नहीं है, आप छोटे बच्चे कर सकते, या हो सकता है मैं आपको ज़्यादा ही खुद को बड़े बड़े फील करती हूँ। अच्छा, वैसे मुझे वहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। आंधी तूफान ने तो हमारे गोलगप्पों के होश, हमारे होश उड़ा दिए और हम लोगों ने गोलगप्पे खाए नहीं। मैं तो वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ना शुरू हो गई कि मैंने गोलगप्पे खा के ही जाना है, बट क्या करूँ, फिर जब सब साथ हों तो फिर देखना पड़ता है। और आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, इवन के एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। शुक्र है हम लोग पार्क से बाहर निकल चुके थे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी बाहर रुकी बिकॉज उन्होंने अपने जो थे ना शॉप्स, जो कैफेटेरिया का था, तो वो सब कुछ क्लोज कर चुके थे। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने जो शेल्टर है ये हम लोगों ने ऊपर नहीं करने बिकॉज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया है। तो अचानक से आंधी तूफान स्टार्ट हो गया ना, तो हम लोगों ने भागने वाले काम किया बाहर से पार्क में से। तो फिर रास्ते में जो है एक सुपर बर्गर वाले थे, तो ज़रा कुछ लोकल और मज़े का ट्राई करने का प्लान हो रहा था, दिल कर रहा था। तो हम लोगों के पास जो थी एक बेकरी थी, बेकरी से हम लोगों ने ड्रिंक्स ली और साथ में बर्गर हम लोगों ने किए, चिकन और अंडा मिक्स बर्गर था, देसी बर्गर। और आपको पता है ये देसी चीज़ें और ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं। अच्छा, मुझे इनका जो केचप मीठी जो चटनी थी ना, रेड सॉस, वो मुझे इनका पसंद नहीं आया था। तो बर्गर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, जितने भी हम लोग कज़न शज़न गए हुए थे ना, सब ने ही ऑर्डर किए, किसी ने जूस लिया, किसी ने साथ में ड्रिंक लिया। अच्छा, वहाँ पर मुझे एक मांगने वाली मिली, काफ़ी ज़्यादा मज़े की वो बातें कर रही थी और मुझे कहती है यार आप ही मुझे जूस ले दो। फिर मैं गई उसके लिए, जूस ले के आई, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़े का एक मोमेंट हो गया था। फिर हम लोगों ने बर्गर खाया, बर्गर बहुत मज़े का था और बारिश को भी इंजॉय किया। फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए, मतलब घर आ गए। हाँ जी, तो घर की तरफ हम लोग रवाना हुए और बस यहाँ तक था मेरा व्लॉग। सो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को अपना। यहाँ रखिएगा, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।